दोस्तों आईपीएल 2024 के 68वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने नेट रन के मामूली अंतर से पिछड़कर 5वें स्थान पर रही। आईपीएल से महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। अगर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबर सच है तो 42 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान ने अपना आखिरी आईपीएल मैच रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला और इसके साथ उनका येलो जर्सी का साथ सफर खत्म हुआ, जिसे उन्होंने 5 आईपीएल खिताब जिताए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा, एमएस धोनी की बहुत सारे यादें हैं। वो जो पारी खेलते हैं वो आपको परेशानी से बाहर निकालते हैं। उनके पास खेलने की एक बहुत ही सरल संरचना समझ है। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिकेटरों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, वास्तव में खेल को समझना चाहिए। माही इस तरीके की जानकारी और ज्ञान के साथ लोगों की मदद करते हैं। आरसीबी ने सीएसके प्रशंसकों को निराश करने के लिए शानदार वापसी की। चौथे स्थान पर रहते हुए प्ले ऑफ में पहुंचने वाली आरसीबी एक समय अंक तालिका में सबसे नीचे थी। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था, क्योंकि उन्होंने लगातार अगले 6 मैच जीतकर प्ले ऑफ में प्रवेश किया। एरिक सिमंस ने कहा, अगर कोई उनके भविष्य के बारे में अटकलें लगाना चाहता है यह पागलपन है। एमएस जानते हैं कि वह क्या करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि इस साल मैंने उन्हें प्री टूर्नामेंट कैंप से गेंद को हिट करते देखा है, इसलिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं और निर्णय लेंगे। लेकिन जब मैं भारत के साथ था और अब सीएसके के साथ हूँ, हमेशा वह एक शानदार व्यक्ति है। एरिक सिमंस ने कहा, वह एक अविश्वसनीय क्रिकेटर है। क्रिकेट और जीवन के बारे में उनकी समझ के मामले में एक अद्भुत व्यक्ति है। मुझे लगता है कि कई मायनों में वह लोगों को जो देते हैं वह अविश्वसनीय है। आत्मविश्वास है जो कभी नहीं मरता, और खेल की एक सरल समझ क्रिकेट को वह सरल शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वह उनके बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। दोस्तों आपकी क्या राय है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में? क्या वो इस बार संन्यास लेंगे या फिर एक सीजन और खेलेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।